जय बिहार। जय स्टूडेंट्स, आज का जो क्लास है वह नाउन का ही पार्ट्स है। नाउन का दो पार्ट्स हुआ, नाउन के प्रकार पांच होते हैं, बताए थे आप लोग, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और नाउन का दो प्रकार होता है, नाउन के अंतर्गत दो टॉपिक पढ़ना होता है, एक होता है जेंडर होता है और एक होता है नंबर होता है। बच्चे, आज का क्लास जेंडर है और जेंडर नंबर जो है बेसिक क्लास होता है, इसको जीरो ग्रामर बोलते हैं, लेकिन यह हर एग्जाम में पूछता है। एक समझो कि एलकेजी का बच्चा भी पढ़ता है और जितने भी कंपटीशन होता है उसमें टॉपिक्स पूछता है, वो मैट्रिक्स हो या इंटर हो या कंपटीशन हो या कोई भी एग्जाम हो, इसमें नंबर जेंडर ही काम पड़ता है। प्लस आप कोई भी ट्रांसलेशन बनाते हैं उसमें इसका काम पड़ता है नंबर जेंडर का, और स्पोकन में इसका बहुत काम पड़ता है। मतलब ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है तो छोटा लेकिन है बहुत ही मजेदार और बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो आज का क्लास है जेंडर, बच्चे, ये फर्स्ट ईयर के लिए भी है, मैंने बताया है, सेकेंड ईयर वाले के लिए भी है, कंपटीशन वाले के लिए भी है, और जो बच्चे बेसिक से पढ़ना चाहते हैं उसको जीरो ग्रामर बोलते हैं, उनके लिए भी ये जरूरी है। तो आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है और छोटा वीडियो होगा लेकिन बहुत मजेदार होगा, बच्चे गौर करो। और समझो कि जेंडर जो है एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको पढ़ना ही है, और जानकारी आप पढ़े होंगे बचपन से। पढ़ाने के पहले आप लोग के लिए थोड़ा सा एक कोटेशन है, कामयाब, बच्चे गौर करना, कामयाब अपने लिए नहीं तो उनके लिए हो, कामयाब अपने लिए नहीं उनके लिए हो, कामयाब बनो अपने लिए नहीं उनके लिए कामयाब बनो जो आपको ना कामयाब देखना चाहते हैं। मेरी बात को फॉलो करिएगा, अपने लिए नहीं उसके लिए पढ़ो जो तुम्हें चाहते हैं कि तुम नहीं पढ़ो। इसका मतलब जो तुमसे जलन करते हैं, जो तुमसे ईर्ष्या करते हैं, जो तुमको चाहते हैं जीवन की दौड़ में तुम पिछड़ जाओ, उसके लिए एक सबक बनो और ऐसा काम करो कि वह भी तुम्हारी तुमको सैल्यूट करे, और तुमको दुनिया सलाम कब करेगी, उगते हुए सूरज को सब कोई सलाम करता है, डूबते हुए कोई नहीं करता है। चलो जय बिहार। और मैं शुरू कर रहा हूँ, जेंडर क्या है। सबसे पहले इंग्लिश होता है बच्चे, इंग्लिश में तीन वर्ड मिला होता है, मैंने हमेशा बोला ही बात को, एक होता है रोमन वर्ड होता है, एक लैटिन होता है और एक होता है ग्रीक वर्ड होता है। तो जनरली इंग्लिश में रोमन वर्ड है, केमिस्ट्री और इंग्लिश, बच्चे सुना, केमिस्ट्री और इंग्लिश में लैटिन वर्ड का यूज किया जाता है, रोमन वर्ड का यूज मैथ्स में किया जाता है, और ग्रीक वर्ड का यूज फिजिक्स में किया जाता है। आप फिजिक्स पढ़ते होंगे तो उसमें ग्रीक वर्ड ज्यादा होगा, मैथ्स में रोमन वर्ड होगा और इंग्लिश में आपको लैटिन वर्ड होता है। तो जो ये टॉपिक है बच्चे गौर करो, आ जाओ, जेंडर टॉपिक जो है इसका मतलब लिंग होता है, लिंग का मतलब होता है जाति, बच्चे गौर करना, लिंग का अर्थ होता है जाति। और जेंडर दो शब्द से बना है, जेन जो डर, बच्चे जुड़ जाइए, जेन जो डर, जेन और डर लैटिन वर्ड है, जेन का मतलब होता है जानकारी देना, जानकारी देना, और डर का मतलब होता है लिंग भेद, जिसको जाति बोलते हैं। जो लिंग के भेद को जानकारी देता है उसे जेंडर कहते हैं। तो मेरी बात को फॉलो करेंगे, जेन जो डर, जेन मतलब होता है जानकारी देना और डर मतलब होता है जाति भेद, जो जाति के भेद की जानकारी देता है उसे हम लिंग कहते हैं, और लिंग का अर्थ होता है जाति। तो जो जाति के भेद की जानकारी देता है उसको जेंडर बोलते हैं। तो मैंने इसको पीडीएफ के माध्यम से बनाया है तो आपको अच्छा लगेगा। टू डिफाइन द होल कास्ट, टू डिफाइन द होल कास्ट, जो पूरी जाति का बोध कराता है उसे जेंडर कहते हैं, बच्चे गौर करना, जो पूरी जाति का बोध करता है उसको जेंडर कहते हैं, जो पूरी जाति का बोध करता है उसको जेंडर कहते हैं। जैसे कैट, कैट कहने से स्त्री की पुरुष हो गया, स्त्री हो गया, और डॉग पुरुष हो गया, गोल तो बकरी अगर होगा तो स्त्री है, बकरा होगा तो पुरुष है, बुल सांड ये तो 100% पुरुष होता है, हीरोइन कोई भी हीरोइन हो सकती है, काऊ तो काऊ कहने से मालूम चलता है कोई स्त्री है, लेडीज है, मतलब वो आपका, और हमारे हम लोग बोलते हैं मैन वूमेन, लेकिन इसमें मैन वूमेन नहीं होता है, मैन को मैस्कुलिन बोलते हैं, वूमेन को फेमिनिन बोलते हैं, मैं बता रहा हूं बच्चे जुड़ जाए। चलिए
कैसे, आप समझ लेना मैं पढ़ाने जा रहा हूं। जब आप खुद को तराशते हैं तो दुनिया आपको तलाशती है। बच्चे गौर करना, जब आप खुद को तराशते हैं तो दुनिया आपको तलाशती है। जब खुद को आप तराशते हैं तो दुनिया आपको तलाशती है। बच्चे गौर करो, अब है टाइप्स ऑफ जेंडर। जेंडर कितने होते हैं? जेंडर चार प्रकार के होते हैं। बच्चे गौर करना, जेंडर चार प्रकार के होते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूट्रल। मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूट्रल। मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूट्रल। बस इस 10 मिनट का क्लास को कर लो और तुम्हारा जेंडर से कनेक्शन एकदम जुड़ जाए। मैस्कुलिन जेंडर, इसको हम लोग पुलिंग बोलते हैं, पुलिंग बोलते हैं बच्चे, पुलिंग बोलते हैं। मैस्कुलिन बनता है दो शब्द से, मेल जोर पुलिंग, मेल जोर पुलिंग। मेल का मतलब पुरुष और कुलिंग मतलब जाति। मेल मतलब पुरुष और कुलिंग मतलब जाति। जो पुरुष जाति का बोध करता है, जो पुरुष जाति का बोध करता है उसको पुलिंग बोलते हैं बच्चे। एकदम सिंपल रखना नहीं, इसको तोड़ लेना तुम्हारा परिभाषा निकल जाएगा। मैस्कुलिन, मेल योर कुलिंग, मेल मतलब पुरुष और कुलिंग मतलब जाति। जो पुरुष जाति का बोध करता है उसको मैस्कुलिन बोलते हैं। टू डिफाइन द मेल कास्ट, मैंने परिभाषा दे दिया है, हम सिंपल, कोई रटने वाला काम नहीं करना है। टू डिफाइन द मेल कास्ट, टू डिफाइन द मेल कास्ट, डिफाइन मतलब बताना, मेल मतलब पुरुष और कास्ट मतलब जाति। जो पुरुष जाति का बोध करता है उसको मैस्कुलिन बोलते हैं। एग्जाम्पल, ब्राइड ग्रूम इज गोइंग टू मैरी, दुल्हा शादी करने जा रहा है। अभी लॉकडाउन का समय है, नहीं जा सकता है, जाएगा अभी तो 10-20 को बराती को लेकर जाएगा। तो ब्राइड ग्रूम कहने से मालूम चल रहा है मैस्कुलिन है। डॉग इज बार्किंग ऑन द रोड, तो डॉग मतलब पुरुष हो गया। हॉर्स इज रनिंग फास्ट, हॉर्स घोड़ा, पुरुष हो गया। तो जितना भी है पुलिंग है बच्चे, पुलिंग है। तो समझ गया, मैस्कुलिन बना है, मैस्कुलिन में छुपा हुआ है मेल वर्ड, मैस्कुलिन में छुपा है मेल वर्ड, मेल, मेल मतलब होता है पुरुष। सेकेंड है फेमिनिन जेंडर, फेमिनिन, फेमिनिन में छुपा हुआ है फीमेल, फेमिनिन में छुपा हुआ है फीमेल, फीमेल, फीमेल मतलब स्त्री, तो स्त्रीलिंग हो गया। फीमेल प्लस पुलिंग, फीमेल मतलब स्त्री और पुलिंग मतलब लिंग जाति होता है। फीमेल मतलब स्त्री और पुलिंग मतलब जाति। जो स्त्री जाति का बोध करता है उसको फेमिनिन बोलते हैं। टू डिफाइन द फीमेल कास्ट, टू डिफाइन द फीमेल कास्ट, काउ इज ग्रेजिंग, तो काउ से मालूम चला स्त्री है। कैट स्त्री है, ओमेन स्त्री है। तो ओमेन इज टॉकिंग लाउडली, औरत लोग का टेंडेंसी होता है कि बहुत तेज तेज जोर जोर से बातचीत करती है। चलो थर्ड इसका है कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर, इसको बोलते हैं बच्चे उभयलिंग बोलते हैं। उभय का मतलब दोनों में हो, उभय का मतलब दोनों। बच्चे गौर करना, टू डिफाइन बोथ मेल एंड फीमेल कास्ट, जो दोनों जाति का बताता है, मेल को भी और फीमेल को भी। आप लोग देखे होंगे, मैं फिर बता रहा हूं, द टीचर इज टीचिंग इंग्लिश, टीचर, बच्चे गौर करना टीचर, क्योंकि चाय लोग ज्यादा पीते हैं टीचर लोग, तो टीचर वर्ड बनाया गया बहुत सोच समझ के। टी, टी मतलब चाय, चल, चाय पी के जो चढ़चढ़ाता है, चाय पी के जो चढ़चढ़ाता है टीचर, इज टीचिंग इंग्लिश। तो टीचर में स्त्री भी हो सकता है और पुरुष भी हो सकता है। डॉक्टर में स्त्री भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। इंजीनियर स्त्री भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है। एक और आता है बच्चे, मैं बताना चाह रहा हूँ, एक इंटरसेक्स, हिजरा, काउ, छक्का, वे लोग एक सिंबल देते हैं बच्चे। ये मर्द का दाहिना हाथ मर्द का होता है और लेडीज का बायां हाथ होता है, और वे लोग ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, एंड दैट इज द सिंबल ऑफ इंटरसेक्स और काउ। इसीलिए सिंबल बताते हैं कि हम दोनों में आते हैं, हम दोनों में आते हैं, और इसी को ही बोलते हैं हिजरा है काउ। तो जितना भी ये सब हो गया ये कॉमन जेंडर हो गया बच्चे, कॉमन जेंडर हो गया, जितना भी है कॉमन जेंडर, कॉमन में दोनों आते हैं, स्त्री भी और पुरुष भी। अब है न्यूट्रल, न्यूट्रल का मतलब मृतलिंग, जिसको निर्जीव बोलते हैं, मृतलिंग का मतलब निर्जीव बोलते हैं। टू डिफाइन द डेड थिंग्स, जो मरे हुए चीज का बोध करता है, जो मरे हुए चीज का बोध करता है उसको न्यूट्रल जेंडर बोलते हैं। टेबल इज मेड ऑफ वुड, अब टेबल कहने से क्या मालूम चल रहा है, लकड़ी का बना हुआ है, निर्जीव है। चेयर सब निर्जीव है, तो जो मरे हुए चीज का बोध करता है उसको न्यूट्रल बोलते हैं। आप इसको छोड़ते ना, दिमाग में बैठा देना, मैं टॉपिक का नाम है जेंडर, जेंडर का मतलब लिंग होता है, लिंग मतलब जाति होता है, और जेंडर चार होते हैं, मैस्कुलिन मतलब मेल, फैमिली मतलब फीमेल, कॉमन मतलब दोनों बोथ, और न्यूट्रल मतलब डेड थिंग्स।
अब इसमें मेन पढ़ना है आपको दो चीज, मैस्कुलिन से फेमिनिन, मैस्कुलिन से फेमिनिन, पुरुष से स्त्री बनाना, पुरुष से स्त्री बनाना। और इसका चार नियम होता है, ये चार वर्ड मीनिंग है। आप मान के चलना आप वर्ड मीनिंग की तैयारी कर रहे हैं, वर्ड मीनिंग जरूरी है, इसलिए मैं पूरा लिख पाया हूँ। जो किसी भी कॉम्पिटिशन में आपका क्लास नहीं छूटे, एयरफोर्स ने भी, आर्मी में, बैंक में सब ज्यादा पूछता है, इसलिए ध्यान देना। इसके अलावा आपको नहीं पढ़ना होगा कहीं। अगर जिंदगी में कोई मुकाम हासिल करना है तो देर रात तक चैटिंग करने के बजाय अपने कैरियर की सेटिंग करने पर फोकस करो। बच्चे आपके लिए है, अगर मुकाम हासिल करना हो, जिंदगी में कोई मुकाम हासिल करना है तो देर रात तक चैटिंग करने के बजाय आप कैरियर की सेटिंग करने पर ध्यान देंगे, फोकस करेंगे, जीवन आपका सार्थक होगा, नहीं तो जीवन निरर्थक हो जाएगा। बच्चे अब हमको पढ़ना है रूल्स ऑफ चेंज इनटू मैस्कुलिन टू फेमिनिन, रूल्स ऑफ चेंज इनटू मैस। दो तीन दिन का टॉपिक है क्लास का, मैं उसको 10 मिनट निकाल रहा हूँ। रूल्स ऑफ मैस्कुलिन टू फेमिनिन, पुरुष से स्त्री बनाना। तो पहला नियम उल्टा लिखते हैं, वी राइट द अपोजिट, वी राइट द अपोजिट एंड चेंज इनटू मैस्कुलिन टू फेमिनिन। कुछ शब्दों को उल्टा लिखते हैं, जिसे उल्टा लिखने का मतलब मैन, तो उल्टा होगा तो ओ मैन, इसको उल्टा बोलते हैं। वी राइट द अपोजिट ऑफ मैस्कुलिन एंड चेंज इनटू फेमिनिन, कुछ शब्दों को उल्टा लिखकर उसका फेमिनिन बनाते हैं, कुछ शब्दों को उल्टा लिखकर उसका फेमिनिन बनाते हैं, फेमिनिन बनाते हैं। जैसे हॉर्स घोड़ा, तो इसे याद करना पड़ेगा, कंपटीशन में काम देगा, 100% काम देगा, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, बैंक, एसएससी, जितना भी एग्जाम है उसमें इसका काम पड़ता है। बच्चे याद रखना, तो हॉर्स का घोड़ा तो इसका मेयर, मैन इसको ओ मैन, सर का मैडम, सर मतलब महोदय होता है, मैडम होता है, मिस्टर श्रीमान तो मिसेस श्रीमती, फॉक्स लोमड़ी, मैंने पूरा इसको बनाया है, और विक्सर मतलब लोमड़ी, ये नर लोमड़ी या मादा हो गया, ब्राइड रूम दुल्हा, ब्राइड मीन्स दुल्हन। अच्छे देख लो, आज बहुत लोग का लॉकडाउन के चलते शादी नहीं हुआ है और उन्होंने गाना गाया है, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, और जिसका शादी हो गया है वो कौन गाना गा रहे हैं, बच्चे समझ लेना। जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूँ, आफत गले पड़ी है उसको निभा रहा हूँ, बच्चे समझ लेना। चलो, तो विडोर मतलब विधुर, विडोर मतलब विधुर, इस कोरोना काल में बहुत लोग विधुर हो गए हैं, जिसकी पत्नी मर गई है, तो विडोर मतलब विधुर, जिसकी पत्नी मर गई है उसको विधुर बोलते हैं, विडो मतलब विधवा, जिसका पति मर गया, बहुत लोग मरे हैं इसमें। हस्बैंड प्राणनाथ, अर्धांगनी, वाइफ का मतलब अर्धांगनी होता है। बैचलर कुंवारा, तो मेड मतलब कुंवारी। रैम, राम नहीं है, रैम है भेड़ा, तो यू मतलब भेड़ी। बॉय का उल्टा हो गया गर्ल, बहुत सारा वर्ड मिल गया, जरूरी है कंपटीशन के लिए। लैड मतलब जवान लड़का, तो लैस जवान लड़की, तो लैड का हो गया लैस। मैन का ओ मैन, अंकल का आंटी। निपी मतलब भतीजा या भांजा, तो नाइस, इसे जरूरी है। ऑक्स या बुल, सांड या बैल, इसका काल हुआ है। किंग का क्वीन, डॉग का बीच, कुत्ता का कुतिया होता है। लवर मतलब प्रेमी, तो इसका बिलव्ड प्रेमिका हो जाएगा, बच्चे प्रेमिका हो जाएगा। कॉक हेन, एस्टेज, एस्टेज का होता है हिरन, तो हिंड, तो इसका मतलब हिरनी होता है। ड्रोन बी मधुमक्खी, या नर हो गया या मादा हो गया। विजार्ड जादूगर, विच मतलब जादूगरनी। जेंडर नर हंस, द गूज मादा हंस। ब्रदर का सिस्टर, सन का डॉटर, ये सब वर्ड भी नहीं है। बोल मतलब नर सुबर, सौ ही पूछता है ज्यादा, हम जिस पर भी बता रहे हैं उसको ध्यान ध्यान दीजिएगा। बोर का मतलब नर सुगर, इसका हो गया सौ। मॉक सन्यासी, पूछता है क्वेश्चन, सन्यासी का नन, ये हमेशा एयरफोर्स का क्वेश्चन है, यहाँ एयरफोर्स का फेवरेट क्वेश्चन है मॉन्क, तो मॉन्क का हो गया नन। हीरो हीरोइन, 2010 में पूछा हुआ था मॉन्क और हॉर्स, 2010 का क्वेश्चन है एयरफोर्स का, हॉर्स और मॉन्क, हीरो का हीरोइन। बच्चे देख लो, लॉर्ड देव, तो लेडी मतलब देवी। चलो बच्चे ये पढ़ लेना बच्चे। We should never pride on these three things, beauty, money and knowledge. These things are not permanent, these things are temporary.
तीन चीज का कभी घमंड नहीं करना, सुंदरता, विद्या और पैसा, ये तीनों अस्थाई नहीं है, अस्थाई है। चलो तो मैंने बना दिया है, हैसियत का कभी अभिमान न करना, हैसियत का कभी अभिमान न करना, उड़ान जमीन से शुरू और जमीन पे ही खत्म होती है। हैसियत का कभी अभिमान नहीं करना, उड़ान जमीन से ही शुरू और फिर जमीन पर ही आकर खत्म होती है। चलो बच्चे, अब दूसरा नियम है, कुछ शब्दों के अंत में ई डबल एस जोड़ते हैं, पहला था उल्टा कर देते हैं, और कुछ शब्दों के अंत में, हम एक ही क्लास में खत्म कर रहे हैं, कुछ शब्दों के अंत में ई डबल एस जोड़कर उसका फैमिली बनाते हैं, ई डबल एस जोड़कर फैमिली बनाते हैं। तो पहला था केवल उल्टा बनाते हैं, दूसरा में ई डबल एस जोड़ते हैं, तो वी एडेड ई डबल एस इन द वर्ड एंड चेंज इन टू फैमिली, कुछ शब्दों के अंत में ई डबल एस जोड़कर उसका फैमिली बनाते हैं, ई डबल एस जोड़कर उसका फैमिली बनाते हैं। पोएट तो पोएटेस कवित्री, लैन से तो लैनेस, घोष्ट भूत तो घोष्टेस भूतनी, लॉर्ड देव तो लॉर्डेस देवी, हियर वारिस तो हियरेस, काउंट छक्का इस काउंटेस, ये मर्द छक्का होता है, ऐसे बहुत मर्द होते हैं जिसमें स्त्री का गुण होता है, तो मर्द हो गया, और वैसे बहुत ऐसी स्त्रियां हैं जिसमें मर्द गुण होती है। होस्ट परिचायक, इस सब में ई डबल एस रहेगा, होस्टेस परिचायिका, प्रिस्ट का मतलब पुजारी, जो पूरा देश को उजारी इज कॉल्ड पुजारी, जो पूरा देश को उजारी इज कॉल्ड पुजारी। चलो तो प्रिस्टेस पुजारी, गिंट विशाल काय, जिसको राक्षस बोलते हैं बच्चे, राक्षस तो गिंटेस राक्षसनी, प्रिंस राजकुमार तो प्रिंसेस राजकुमारी, ऑथर लेखक, ऑथरेस मतलब लेखिका, मेयर महापौर तो महापौरी होता है मेयरेस, जीव यहूदी, सब पूछता है एग्जाम में, हमने इसलिए पूरा डाला है, हम ज्यादा से ज्यादा इसे बताया कि एग्जाम कंपटीशन में फिर अलग से पढ़ना नहीं पड़ेगा। ज्यूस बैरन, बैरन मतलब नवाब, तो बैरन एस नवाबी, पियर सहकर्मी, पियर एस जेंट्स हो गया लेडीज हो गया, सेफर्ड चरवाह, तो सेफर्डेस मतलब होता चरवाही, स्टेवार्ड हलवाही, स्टेवार्डेस मतलब हलवाही, जेंट्स हो गया लेडीज हो गया, ये पूछता है एग्जाम में ज्यादा। पेट्रोन संरक्षक, पेट्रोने संरक्षिका होता है, पेट्रोन मतलब संरक्षक, ये पेट्रोने साइज संरक्षिका होता है। चलो तो पहला हो गया उल्टा, दूसरा में ई डबल एस जोड़ते, और जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा, जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा, याद रखना कोई ना कोई, याद रखना कोई ना कोई पंख काटने जरूर आएगा, जब भी तुम्हारा हौसला आसमान में जाएगा, याद रखना कोई ना कोई तुम्हारा पंख काटने जरूर आएगा, इसलिए इस पंख काटने के पहले अपने को इतना मजबूत कर लो कि कोई पंख काट नहीं सके। जिंदगी की पीच पर जरा ध्यान से खेलना, सबसे करीब खड़े लोग इस स्टंपिंग कराते हैं, इसलिए सुना होगा धोखा वही देते हैं जो दिल के करीब होते हैं। अब तीसरा नियम, तीसरा नियम बच्चे गौर करना, तीसरा नियम इसमें क्या होता है, अंतिम वाला मेरी बात को फॉलो करेंगे, दो तो समझ गया उल्टा और एक हो गया ई डबल एस, इसलिए में है अंतिम भवेल को हटाकर ई डबल एस जोड़ते, अंतिम में जो भवेल आएगा उसको हटाकर ई डबल एस जोड़ते, भवेल का मतलब ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू हम बताएंगे पूरा। वी रिमूव द सेकेंड लास्ट भवेल एंड ई डबल एस इज एडेड, कुछ शब्दों के अंतिम भवेल को हटाकर ई डबल एस जोड़कर फैमिली बनाते हैं। मैस्कुलिन से हो टाइगर, इसमें बताओ आप लोग कहां है भवेल, आर तो नहीं है ई है, आर तो नहीं है ई है, तो ई भवेल है, इसको हटा देंगे तो बचेगा टी आई जी आर, टी आई जी आर, और इसमें ई डबल एस लगा देना, तो यह अंतिम भवेल आर नहीं है ई है, इसको हटाएंगे तो टी आई जी आर हो गया, टी आई जी आर उसमें ई डबल एस जोड़ दो, तो टाइगरेस मतलब बाघिन, राइटर ई हटा दो इसमें ई डबल एस जोड़ दो राइटरेस, लीडर इसमें ई हटा दो एल ए डी आर हो गया और ई डबल एस लगा दो लीडरेस नेत्री, हंटर ई हटा दो हंटरेस शिकारी, एक्टर ओ हटा दो एक्ट्रेस अभिनेत्री, कंडक्टर है बहुत सारा, इंस्ट्रक्टर है, इम्पेयर है, फाउंडर है, ट्रेडर है, निगरो है या पूछता है अपवाद है, ये क्वेश्चन अपवाद है, हमेशा कॉम्पिटिशन में पूछता है, निगरो का निगरी होता है,
नीग्रो एक प्रकार की जाति होता है, दक्षिण अफ्रीका में एक काली जाति होता है जिसको हब्सी बोलते हैं, हब्सी, जिसे ब्रायन लारा देखा होगा, क्रिस गेल को देखा होगा, ऐसा नीग्रो जाति होता है। तो नीग्रो का निगरेस्ट होता है। सॉन्गस्टर मतलब गीतकार, तो सॉन्गस्टर्स है बहुत सारा इसमें। अब अंतिम है, बच्चे गौर करना, अंतिम ये चार हो गए, इसका चारों को नहीं होता है। पहला इसको उल्टा बनाते हैं, उल्टा लिखते हैं, दूसरा ई डबल एस जोड़ते हैं, तीसरा भवेल को हटाकर अंतिम वाला ई डबल एस जोड़ते हैं, चौथा में क्या होता है, कुछ ऐसा शब्द है जिसमें डबल वर्ड मीनिंग होता है। मेरी बात को फॉलो करेंगे, कुछ ऐसा शब्द होता है जिसमें डबल वर्ड मीनिंग होता है, तो उसमें से एक वर्ड मीनिंग को चेंज करना होता है, एक को छोड़ देना होता है। जिसे कहेंगे ही गोट, ही गोट का अर्थ होता है बकरा, तो ही गोट, गोट हो गया, एक हो गया ही और एक हो गया, तो ही का उल्टा होता है सी, तो सी गोट मतलब बकरी। पी कॉक, तो पी जोर कॉक, तो पी को नहीं चेंज करेंगे कॉक, कॉक मतलब मुर्गा, तो इसका उल्टा हो गया हेन, तो पी हेन मतलब क्या होगा, मोरनी। वही चीज लिखे हैं, वी चेंज एनी वर्ड फ्रॉम कंपाउंड वर्ड एंड चेंज इनटू फैमिली, कुछ कंपाउंड वर्ड का एक को फैमिली में बदल कर उसका फैमिली बनाते हैं, कोई एक को बदलते हैं बाकी एक छोड़ देते हैं। जैसे कि मैंने बता दिया है मिल्क मैन, तो मैन का हो गया वोमेन भी होगा मेड भी होगा, वो तो मिल्क वोमेन या मिल्क मेड। ही गोट, ही को बदलेंगे सी, सी गोट, इसे याद करना पड़ेगा, कंपर्सन के लिए 100% जरूरी है, बिना इसके कंपर्सन नहीं होगा। पी कॉक, तो पी, तो पी का, पी तो पी जाने, कॉक का हो गया हैम। वासर मैन, तो मैन का हो गया ओमैन। सेल्स मैन, तो ओमैन। ब्रदर इन लॉ, तो ब्रदर का हो गया सिस्टर इन लॉ, साला का साली होता है। कॉक स्पैरो, तो कॉक का उल्टा हो गया हेन स्पैरो। नर गौरैया मादा गौरैया। ग्रैंड फादर, मदर हो गया। फादर इन लॉ, ससुर, पार्टी ससुर, जो सुर में सुर मिलाता है इज कॉल्ड ससुर, जो सुर में सुर मिलाए डेट इज कॉल्ड ससुर। और फादर इन लॉ का उल्टा हो गया मदर इन लॉ। बच्चे पढ़ाई के साथ साथ कुछ जीवन का भी जानकारी लीजिए। सास, आजकल बहुत बच्चे शादी के बाद माँ को इज्जत कम देते हैं, माँ को माँ जी कभी नहीं कहते हैं, लेकिन सास को माँ जी लगा देते हैं, 4G 3G 5G लगा देते हैं। तो जो ऐसा लगाते हैं 1G 2G 3G 4G 5G, उसके लिए डायलॉग है बच्चे, गौर समझना, इसलिए जीवन में मेरी बात को फॉलो करना। सास जो रहती है बेटी के पास पास, सास जो रहती है बेटी के पास पास, क्योंकि वह बेटी के लिए होती है खास, क्योंकि वह बेटी के लिए होती है खास। सास जो रहती है बेटी के पास पास, क्योंकि बेटी के लिए होती है खास, उस दोनों पर कभी नहीं करना विश्वास, ये मेरा थॉट्स है, उस दोनों पर कभी नहीं करना विश्वास, क्योंकि उस दोनों का नजर आता है तुम्हारे एटीएम के पास। चलो बच्चे, तो सास, मैन सर्वेंट, तो मैन का हो गया मेड सर्वेंट। मेटर्नल अंकल, अंकल का मेटर्नल आंटी मतलब मामी होता है, पेटर्नल अंकल, अंकल का आंटी होता है, बस इतना देख लेना है। कहते हैं भाग का लिखा मिलता है, बच्चे गौर करना, कहते हैं भाग का लिखा मिलता है, लेकिन बैठे बैठे किसने क्या कमाया है, जिसने किया परिश्रम उसने ही सब पाया है। कहते हैं भाग का सब लिखा मिलता, भाग का लिखा सब मिलता है, लेकिन बैठे बैठे किसने क्या कमाया है, लेकिन बैठे बैठे किसने क्या कमाया, कोई कमाया है नहीं कमाया है, जिसने किया परिश्रम उसने ही सब पाया है। और इसी के साथ जय बिहार, आप लोग, मैं फर्स्ट ईयर के बैच में मैं डाल रहा हूँ, और इसको सब कोई देखेंगे आप लोग, क्योंकि सबके लिए ज़रूरी है, मैट्रिक से नीचे वाले बच्चों के लिए भी ज़रूरी है, मैट्रिक वाले बच्चों के लिए भी है, इंटर फर्स्ट ईयर के लिए भी है, सेकेंड ईयर के लिए भी है, कंपटीशन वाले बच्चों के लिए है, और जिसको बेसिक पढ़ाना है उसके लिए भी ज़रूरी है। और हम बस इतना ही कहेंगे, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, खराब लगे तो सब्सक्राइब नहीं करना। देखिए एक क्लास में हम इसको 2-2.5 क्लास ले चलते हैं, कम से कम 2.5 क्लास ले चलते हैं बैच में, ऑफलाइन बैच खुला रहता है ना, इसको 3-4 क्लास कम से कम ले चलते हैं, और इसको एक क्लास में वीडियो में बनाना पड़ा है, तो इसलिए तेज निकालना पड़ा है, लेकिन ये वर्ड भी नहीं है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, चार नियम याद रखना है, उल्टा ई डबल एस, अंतिम भवन को हटा कर ई डबल एस, और कंपाउंड वर्ड दो वाला भी चेंज कर देना है, यही याद रखना है।
मैस्कुलिन जेंडर का मतलब लिंग होता है, जाति होता है, जेंडर चार होते हैं, मैस्कुलिन में मेल है, फेमिन में फीमेल है, कॉमन में दोरो है, न्यूट्रल में मरा हुआ चीज होता है। चलो इसी के साथ जय बिहार, जय विद्यार्थी, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल।